हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। सो वेलकम टू प्रियांशु व्लॉग्स। सो आज का जो टॉपिक है, मुझे एक भाई ने कमेंट किया, मैंने ना ओरिएंटेशन वाली वीडियो डाली थी। अगर आपने ओरिएंटेशन वाली वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर नोटिफिकेशन पे क्लिक करिएगा और ओरिएंटेशन वाली वीडियो देखना। तो उसमें मैंने बताया था कि वन कार्ड के बारे में। तो ये है मेरा वन कार्ड। तो वन कार्ड होता क्या है, एक आपका स्टूडेंट आईडी कार्ड होता है, ठीक है। ये आपको मिलता है रजिस्ट्रेशन ऑफिस से, जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस है मैं आपको दिखा दूंगा। मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कॉनेस्टोगा कॉलेज का टूर कर रहा हूँ, तो सारी चीज़ें आपको मैं बता दूंगा। जैसे ये जीआरटी, इसमें स्टिकर लगा हुआ है ना, ये जीआरटी क्या होता है, जीआरटी मतलब ये इनका ट्रांजिट होता है। तो इसके अंदर क्या है, आपको बस टैप करना है, और इसकी जो कॉस्ट थी $292 थी, एक सेमेस्टर के लिए होता है, और सितंबर को मुझे इसके $292 देने पड़ेंगे। तो क्या पता ये कार्ड चेंज होगा कि नहीं होगा, बाकी इसका मैं बता नहीं सकता आपको। जब चेंज होगा मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। इससे आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, इसके अंदर ऑलरेडी $50 होते हैं, वो $50 सिर्फ स्टेशनरी पर्पज़ के लिए होते हैं। उससे आप प्रिंट निकलवा सकते हो, अपने जो फाइल है वो स्पायरल करवा सकते हो, और प्रिंट भी निकलवा सकते हो, स्पायरल करा सकते हो, मतलब जितनी भी स्टेशनरी के रिलेटेड आपने चीज़ें करनी वो कर सकते हो। और बट आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेंडिंग मशीन्स होती हैं जिसमें लिमका या कोका कोला वगैरह ऐसे कैंस वगैरह होते हैं, तो उसमें आप ये यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। ये $50 सिर्फ स्टेशनरी के लिए ही जाएंगे, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम आपको वन कार्ड मिलेगा उसमें आपको $50 अगेन देने पड़ेंगे। तो अगर आपने यूटिलाइज़ करना, आप स्टेशनरी यूटिलाइज़ ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपको जो पैसे मिल रहे हैं वो एक्सपायर होंगे 4 मंथ्स बाद। तो यही वन कार्ड के बारे में। और अगर आपको रिक्रिएशन सेंटर जाना है, जैसे मैं जिम जाता हूँ तो ये टैप करना ज़रूरी है। और अगर आप ये भूल जाते हो और आप अंदर कहोगे तो वो आपको जाने देंगे, पर आपको 4 महीने में 3 अटेम्प्ट्स मिलेंगे विदाउट वन कार्ड एंट्री, उसके बाद नहीं मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको ये नेसेसरी होता है, बाय चांस ये गुम भी जाए तो आपको $20 दे के आपका ये नया वन कार्ड बन जाता है। तो ये वन कार्ड बहुत ही ईजी है, नेसेसरी है। तो मैं इसको फ़ोन के बैक कवर में रखता हूँ और उसको मैं यूज़ कर लेता हूँ। जैसे ये फ़ोन का बैक कवर है मेरा तो उसके मैं बैक पे रख लेता हूँ, तो मैं इसको यूटिलाइज़ कर लेता हूँ, ठीक है। बस के पीछे लगाना है, इससे यही फ़ायदा होगा कि मुझे बार बार वॉलेट नहीं खोलना पड़ता और वो स्कैन नहीं करना पड़ता, वॉलेट खोल के फिर कार्ड निकालो, इसलिए मैं इसके कवर के पीछे रख देता हूँ, ये ईजिली टैप हो जाता है। बट रिक्रिएशन सेंटर में मुझे ये निकालना पड़ता है जिम जाने के लिए, अंदर जाने के लिए। जब बाहर आते हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तब आपको वन कार्ड की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन थी छोटी सी, और बढ़िया चल रहा है। मेरे एग्ज़ाम जल्दी आने वाले हैं, अगस्त के मंथ में एग्ज़ाम है, और ये वीडियो लेट हो जाएगी जब मेरा एग्ज़ाम हो चुका होगा। मैं अपना एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस भी बताऊंगा, माई फर्स्ट वन सेमेस्टर एक्सपीरियंस, मतलब 4 मंथ्स का जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को लाइक करिए और अच्छे अच्छे कमेंट करिए, मुझे अच्छी लगती है, अच्छा लगता है मैं जब आपके कमेंट पढ़ता हूँ। तो मैं लाइव ज़रूर आऊँगा, तो मैंने कम्युनिटी टैब में डाला है स्टेटस टाइप, आप उसे पढ़ लीजिएगा। पर ये वीडियो लेट आने वाली है, पहले ही बता दूँ, अप्रॉक्सीमेटली ये आएगी 20 अगस्त, मे बी 20 अगस्त के बाद ही आएगी। अभी जो तारीख है वो है 31 जुलाई। तो मैं ऐसे ही एडवांस में वीडियो बना देता हूँ ताकि हफ्ते में एक वीडियो आती रहे और आपको कोई प्रॉब्लम भी रहो, ठीक है। ठीक है गाइस, अपना ख्याल रखना, और वेलकम टू कनाडा जो आ रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा मिलके, मुझे ज़रूर मिलिएगा और मेरे साथ थोड़ी सेल्फी सुल्फी भी ले लीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।